ये एक्सप्रेसवे आने के बाद दिल्ली और कटरा की दूरी में लगभग 58 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीटी ऑटो में। दोस्तों, अगर आप भी ड्राइविंग का बहुत शौक रखते हैं और आपको भी लॉन्ग रोड ट्रिप्स करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं 5 ऐसे एक्सप्रेसवेज के बारे में जो इस साल से ऑपरेशनल हो जाएंगे और आपकी रोड ट्रिप को और ज्यादा सुहाना बना देंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कौन से है ये 5 एक्सप्रेसवे जो कि इस साल ऑपरेशनल होंगे। विश्व में अगर सबसे लंबे रोड नेटवर्क की बात हो तो अमेरिका के बाद भारत का नाम आता है। जी हाँ, भारत दूसरे नंबर पे है और इस रोड नेटवर्क को एक्सपैंड करता जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। और इसी नेटवर्क में 5 नए एक्सप्रेसवे जल्द ही इंक्लूड होने वाले हैं और ये हैं, सबसे पहला नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। भारत की कैपिटल दिल्ली और बिजनेस कैपिटल बॉम्बे को ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा और इस एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन होने का सबको बेसब्री से इंतजार है। लगभग फरवरी के आसपास अनुमान है कि ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1386 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है जो कि 5 स्टेट से होकर गुजरता है, जिसमें आते हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। और इसका सबसे छोटा पार्ट जो है वो दिल्ली से गुजरता है जो कि है 9 किलोमीटर का, और सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट जो गुजरता है वो गुजरात से गुजरता है जो कि है 423 किलोमीटर का। और इसका एक फेज ऑपरेशनल है जो कि हरियाणा के सोहाना से शुरू होता है और राजस्थान में दसवा में जाके खत्म होता है और इसकी कुल लंबाई जो ऑपरेशनल फेज की कुल लंबाई है 209 किलोमीटर की। इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद दिल्ली और मुंबई में 180 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी और जो टाइम है वो 24 घंटे से कम होकर 12 घंटे का हो जाएगा, मतलब 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेसवे की ओर जो कि है बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये साउथ की दो मेजर सिटीज को कनेक्ट करेगा और इसकी कुल लंबाई है 262 किलोमीटर की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे को लगभग 1700 करोड़ रुपए की कुल लागत से इसे बनाया और इसका एक्सप्रेसवे का नाम रहेगा नेशनल एक्सप्रेसवे 7। इस एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल हो जाने के बाद बैंगलोर से चेन्नई तक की दूरी का समय सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा और आपके हवाई सफर से भी ज्यादा तेज आपको ये एक्सप्रेसवे इन दोनों शहरों की तरफ पहुंचा देगा। और साथ ही में इसका जो स्पीड लिमिट होगा लाइट व्हीकल्स के लिए वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। अगला एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्ट करेगा और इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है पर दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण इसका कंस्ट्रक्शन जो है बीच बीच में रुकता रहा और अनुमान यह है कि गर्मी आने से पहले ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा और दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 29 किलोमीटर की, जिसका 19 किलोमीटर का इलाका जो है हरियाणा के गुड़गांव जिले में आता है और 10 किलोमीटर का जो इलाका है वो दिल्ली में पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे खुलने के बाद ये एक अल्टरनेट रूट बन जाएगा दिल्ली के हवाई अड्डे पहुंचने के लिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, और साथ ही में ये NH8 पे आने वाले ट्रैफिक को लगभग 50% तक रिड्यूस भी कर देगा। अब बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेसवे की ओर जो कि है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन लगभग इस साल के अंत तक हो जाना चाहिए अनुमान है ऐसा, और इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद जो दिल्ली से अमृतसर की दूरी का समय है वो 4 घंटे का रह जाएगा और दिल्ली से कटरा तक का जो समय लगेगा वो आपको 6 घंटे का लगेगा, मतलब 6 घंटे में आप यहां से वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे कई सारे धार्मिक स्थलों को कनेक्ट करेगा जिसमें गोल्डन टेंपल जो कि अमृतसर में स्थित है वो शामिल है और साथ ही में गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि तरन तारण पंजाब में स्थित है और वैष्णो देवी जो कि कटरा में स्थित है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई होगी 669 किलोमीटर की और ये एक्सप्रेसवे आने के बाद दिल्ली और कटरा की दूरी में लगभग 58 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। पांचवा और आखिरी एक्सप्रेसवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब आम पब्लिक के लिए जल्द ही खुलने वाला है ये एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद दिल्ली से देहरादून तक की दूरी तय करने का समय लगभग 3 घंटे का रह जाएगा और साथ ही में इस एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का भाग जो है राजा जी नेशनल पार्क में पड़ता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना रहा है जिसमें 340 मीटर का दांत काली बाईपास टनल भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थे 5 एक्सप्रेसवे जो कि जल्द ही ऑपरेशनल होने वाले हैं आम जनता के लिए और जिनका जनता को बेसब्री से इंतजार है और ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट मिस ना कर सकें।